जैसा कि आपने पार्ट वन में देखा कि रोहिणी जो एक ड्रग डीलर है उसको पकड़ने के लिए एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम विजय चौधरी है वो अपना जी जान लगा देता है, लेकिन रोहिणी तब भी उसको चकमा देकर भाग जाती है। तो अब देखिए आगे। रोहिणी के नए अड्डे का पता हमें अभी तक नहीं चला है। हाँ बेटा, पिछली बार हम उसे पकड़ने ही वाले थे लेकिन वो हमें चकमा देकर भाग गई। पिछली बार सब गुस्से तो आयुषी के कारण हुआ पापा। हम लोग उसे पहचान ही नहीं पाए कि वो रोहिणी की बहन है। अब क्या करेंगे पापा, अगर आप उसे 2 महीने में नहीं पकड़ पाए तो पुलिस डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देगी। मेरे पास एक आइडिया है लेकिन। लेकिन क्या पापा? लेकिन इसमें बहुत रिस्क है, तब भी हम इस प्लान को यूज करेंगे रोहिणी को पकड़ने के लिए। ठीक है पापा, लेकिन आपका प्लान है क्या? ये बात मैं अपने पापा को बताता हूँ। मैडम, मैं आपके यहाँ फिर से काम करना चाहता हूँ। कौन हो तुम? तुमको मैंने इस अड्डे के बारे में कैसे पता चला? वो सब तुम छोड़ दो, मुझे तुम्हारे यहाँ काम करना है। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं अपनी गलती फिर से दोहराऊंगी? इस बार आप कोई गलती नहीं करोगे मुझे काम पर रखकर। मैडम वो कैसे? अब मैं वो अनुनय नहीं हूँ, मुझे अब खाने पे भी आफत है। वो कैसे? क्योंकि अब इस समय मेरी इस दुनिया में कोई नहीं है। क्यों, वो तुम्हारा बुढ़ा बाप मर गया? हाँ। कैसे? हार्ट अटैक से मैडम। ठीक है, आ जाना परसों से काम पर। अरे मनोज जरा सुनो तो इधर। जी मैडम। जरा पता करो तो विजय सच में मारा गया है क्या? ठीक है मैडम। मैडम मैडम, विजय चौधरी सही में मारा गया। उसको हार्ट अटैक आया था 4 दिन पहले और उसकी अंतिम यात्रा भी निकाली गई थी पुलिस फोर्स के द्वारा। अरे वाह, हमारे बीच का पत्थर तो वैसे साफ हो गया। जी मैडम। मैडम मैं आ गया। अच्छा जी, ठीक है तो तुम सीढ़ी से देख लो, नीचे चले जाओ, वहाँ तुम्हें मेरे आदमी मिलेंगे, वो तुम्हें तुम्हारा काम बता देंगे। ठीक है मैडम। डीएसपी सर, विजय चौधरी सच में मारा गया? हाँ रोहिणी मैडम, ट्रांसफर से पहले ही मर गया वो। तो मैडम मेरी 20 पूरी है, क्या हुआ? वो मैं आपको अनुनय के हिसाब भेज दूंगी। ठीक है मैडम। अनुनय? अरे ओ अनुनय। जी मैडम। जाओ ये सामान लेके और डीएसपी साहब तुम्हें चौक पे मिलेंगे, उनको दे देना। इनमें क्या है मैडम? ड्रग्स हैं, संभाल के ले जाना। ठीक है मैडम। डीएसपी साहब ये रहा आपका सामान। विजय तुम तो मर गए थे। फिर क्या, मैं मरा ही नहीं था। तो फिर वो डेड बॉडी और अंतिम यात्रा सब क्या था? सब इल्यूजन था, मेरे द्वारा बनाया हुआ इल्यूजन। वो सब डेड बॉडी सब नकली थे, एक वो सब सिलिकॉन के थे। चलो मेरे साथ, मुझे रोहिणी को भी अरेस्ट करना है। रोहिणी मैडम, डीएसपी साहब का आपसे कुछ काम था इसलिए वो आपसे मिलने आए थे। क्या काम है, बुलाओ ने? विजय तुम क्यों, आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्या? अगर तुम जिंदा हो तो वो डेड बॉडी और वो अंतिम संस्कार सब क्या था? सब दृश्यम था, मेरे द्वारा बनाया हुआ दृश्य। मैं फिर से जरूर आऊंगी और उस बार मैं तुम्हें सच में जिंदा नहीं छोड़ूंगी।